बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़िबुनिसा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑन मामाज किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी हमारी बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त होने वाली है। जी हाँ, पैनकेक नाश्ते की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर रही हूँ। तो रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक अंडा। तो अंडे को हम बोल में तोड़ देंगे इस तरीके से। जी यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया है, उसके साथ मैंने यहाँ थोड़ा सा मैंने टमाटर ले लिया, इसको मैंने उसके जो बीज थे वो निकाल लिए। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, ये इसके अंदर डाल देंगे हम। यहाँ पे मैंने आधी शिमला मिर्च ले ली है और यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने एक कप दूध का ले लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा हम कम रखेंगे आटा, हम इसके अंदर डालेंगे। आप आटा भी डाल सकते हैं और आप मैदा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कप नॉर्मल जो घर में हम खाने का आटा यूज़ करते हैं ये मैंने वो ले ली है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली डाल दी है, आप इसमें थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ये भी नमक ऐड कर दिए। ये सब चीज़ें डाल दी हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको फोक के मदद से कर लें, आप इसको बीटर से कर लें, जिस तरह आपको पसंद है आप इसको इस तरीके से अच्छे से बीट कर लें। हमने इसकी एक लिक्विड सी डो बनानी है, ठीक है। ना ये बहुत पतली हो कि फैल जाए और ना ये बहुत गाढ़ी हो। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको हम घोल लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। और हमारा जी यहाँ पे मैंने अच्छे से बैटर को जो मिक्स कर लिया था, और ये देखिए इस पोजीशन में हमारा आना चाहिए, ठीक है। ना ये बहुत पतला है कि गिर रहा है बिल्कुल, और ना ये बहुत गाढ़ा है। और ये देखिए एक कप में से चौथाई कप जो हमारा वो दूध का जो बच भी गया है, बस इतना हम डालेंगे। और तवे को हम तवे में बना लें, आप इसको पैन पर बना लें जिसमें आप पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने तवा पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इसको हम नॉर्मल आग पे बनाएंगे, ना बहुत तेज़ हो, मीडियम टू स्लो पे बनाएंगे। और हम इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अच्छे से हम इसको ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ से हम फैला लेंगे इसको इस तरीके से। इस बटर को हम लेंगे और इसके ऊपर हम अच्छे से इसको डाल देंगे इस तरीके से, और आपने फटाफट इसको फैला लेना, ठीक है। इस तरीके से हम फैलाएँगे इसको स्पून की मदद से कर लें, जैसे आपको पसंद है, जिससे आप इजीली इसको फैला सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे स्पून से करूँगी और इसकी मदद से मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी। बिना आटा गूंदे, बिना पेड़ा बनाए बना रहे हैं मज़ेदार सा नाश्ता। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ देखिए ऊपर से इसका कलर हमारा जो पराठे का आप कह लें आप इसको ये जो चेंज हो गया, हम इसके साइड को पलट देंगे इस तरीके से। और इस तरफ भी हम ऑयल को लगा देंगे, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिए और यहाँ हम लगा के जैसे इस तरह हिला देंगे ताकि अच्छे से ये हो जाए। अच्छा, इसको हम बना मीडियम टू स्लो आंच पे हम रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आंच पे अपने नहीं बनाना, वरना ये बाहर से कुक हो जाएगा और अंदर से हमारा ये जो हमारा मज़ेदार सा जो हमारा नाश्ता है ये कच्चा रह जाएगा। तो ठीक है, ये मज़ेदार से पैनकेक कह लें आप, पराठा कह लें आप, बच्चों के लिए ज़बरदस्त डिश है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि फरमाइश करके बनवाते हैं मुझसे अक्सर। तो वो रात में भी मुझसे बनवा रहे थे, मम्मा ये वाला पराठा बना दें, एग पराठा हमें बना दें। तो बस यहाँ देखें इस तरीके से अच्छे से हमारा एक साइड कुक हो जाएगी ये वाली। तो फिर हम इस साइड पर थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह प्रेस करेंगे हल्का हल्के हाथों से, और यहाँ देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत उसका जो कलर आया है। और साथ मज़े की बात है कि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, बच्चे क्योंकि वेजिटेबल इतनी खाते नहीं, और इस तरीके से बच्चे वेजिटेबल भी खा लेंगे। और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है, बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बस इस तरह ये कुक हो जाएगा। हम मिर्च से भी अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है, ये दरमियान से कच्चा ना रहे, बिल्कुल कुक हो जाए। तो यहाँ देखिए कैसे खूबसूरत मज़ेदार हमारा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो गया है। तो जी यहाँ एक कप से हमने
तीन हमारे जो ये देखिए पराठे मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। जो लास्ट वाला वो देखिए वो कितना वो सॉफ्ट है, आप उसको मोल लें जैसे मर्जी करें। यहाँ देखिए तीन मेरे ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे बनकर तैयार हुए, अभी बहुत हॉट है क्योंकि अभी अभी मैंने इसको बनाए हैं। इसको थोड़ा सा आप ठंडा करेंगे तो ये और भी सॉफ्ट होंगे। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त हमारे पैनकेक हैं, फोल्ड कर लें जैसे मर्जी कर लें। तो बच्चों के लिए ज़बरदस्त नाश्ता है, वेजिटेबल के साथ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।